Hey, class 4, it is a poem. It's time to read a poem. And it is A Child's Garden. The poem is written by, composed by Rudyard Kipling. Do you know who is Rudyard Kipling? The famous movie you have watched recently. What's the name? The Jungle Book. The Jungle Book. The Jungle Book is written by Rudyard Kipling. And here we are reading a poem written by him. Now, what had happened? There is a child. She had hurt her knee. ये देखो चोट लग गई है इसको पाँव में. एक छोटी लड़की है, इसको पैर में एक चोट लग गई है. तो वो खेल नहीं सकती है अभी. तो वो क्या करती है, अपने गार्डन के अंदर लेट जाती है. और ये गार्डन बहुत ही छोटा सा गार्डन है. इसके हाउस के बाहर की तरफ एक गार्डन है, उस पर लेट जाती है वो और सोचती रहती है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक पास बाय जो होता है उसको देखती है और सोचती रहती है उसके बारे में. एंड दिस अ ब्यूटिफुल पोएम. इट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. सो हियर वी गो. नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, द गर्ल इज सेइंग दैट नथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ गलत नहीं हुआ है. एक्सेप्ट I have hurt my knee. बस मेरी knee को मैंने hurt कर दिया है. And that is why I have to lay. इसलिए मुझे lay means लेटे हुए होना. लेटी है ना, ऐसे सो रही है, लेटे रहना. I have to lay out in the garden all the day. So that's why, because she has hurt her knee, so she can't be able to play. वो खेल नहीं सकती है ना, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटे रहना है, पैर में चोट लगी है. Now again reading it. Now there is nothing wrong with me except I have hurt my knee, and that is why I have to lay out in the garden all the day. Okay, so see the rhyming. Me, knee. Me, knee. Lay, day. Okay, these are the rhyming words. Now next. Our garden is not very wide, and cars go by on either side. Now look at the garden. The garden is not very wide. ज़्यादा बड़ा नहीं है. Wide means the thing which has a higher breadth. Breadth जो ज़्यादा होती है उसको कहते हैं wide. इनका जो garden है small है, और दोनों साइड से, either sides मतलब दोनों साइड से traffic चलता है. यहाँ से भी गाड़ियाँ आती है और यहाँ से भी गाड़ियाँ आती है, और बीच में इसका garden है. तो ये कह रही है Our garden is not very wide, and cars go by on either side and make an angry hooty noise and rather startles little boy. Startles means kya hota hai? When something surprises us, it's just scary. जब हम एकदम से किसी चीज़ से डर जाते हैं, जब हम बैठे होते हैं, हमें कोई पीछे से आके एकदम से डरा देता है. ये गेम खेलते हैं ना हम लोग, जो स्टार्टल कर देते हैं किसी को, एकदम से डरा देते हैं. कोई बैठा है, हम एकदम से उसकी आंखें बंद कर लेते हैं, वो डर जाते हैं कि किसने आंख बंद की. दैट्स कॉल्ड स्टार्टल्स. सो शी सेड दैट आवर गार्डन इज़ नॉट वेरी वाइड एंड कार्स गो बाय ऑन आइदर साइड, दोनों साइड से ट्रैफिक होता है. एंड मेक एन एंग्री हूटी नॉइज. व्हाट्स दैट हूटी नॉइज? व्हेन एवर देयर इज ट्रैफिक इज हाई इन दीज रोड्स, द ट्रैफिक वुड बी हाई, देन दीज कार्स जस्ट मेक द हूटी नॉइज. कार बहुत तेज आवाज़ करती है. That rather startles little boys, जिनकी वजह से छोटे बच्चे सो ही नहीं पाते हैं, वो उठ जाते हैं, वो बार बार स्टार्टल हो जाते हैं. But worst of all is when they take me out in the cars that growl and shake. और सबसे ज़्यादा डरावना, तो इस बच्ची को याद आ रहा है, when she was laying at her garden, in her garden, she just remembers that whenever she goes out with her parents, she was scared. What the caravans, so dreadful. Caravans क्या हो सकती है? ये आपकी बुक में ये दिया हुआ है बेटा, एक इस तरह के का एक व्हीकल होता था जो अर्लियर टाइम्स में यूज होता था. वी कैन ऑल्सो दे से दैट इट्स अ हैवी व्हीकल्स दैट आर कॉल्ड कैराबेंस. सो बट वर्स्ट ऑफ ऑल, वर्स्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड. बैड, worst, वर्स्ट, सबसे बुरा. सबसे बुरा तो वो होता है जब मैं अपने कार में जा रही होती हूँ और मेरी कार के पास में से बड़ी बड़ी व्हीकल्स, जस्ट लाइक कैराबेंस, एक बड़ी बड़ी व्हीकल्स हमारे पास में से निकल जाती है. हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, ऐसे ट्रक होते हैं, बसेस होती हैं बड़ी बड़ी, वो जब पास में से निकलती है
तो वो बिल्कुल बहुत डरावना लगता है जब वो पास में से होके निकल जाती है, इट वो ड्रेडफुल नियर, डर लगता है जब पास में से निकलती है। आई हैव शट माई आईज फॉर फियर, मुझे इतना डर लगता है जब हमारी गाड़ी के पास में से कोई बड़ा हैवी व्हीकल निकलता है ना, तो ये बच्ची तो है ना अपनी आईज को ही बंद कर लेती है ये इस तरह से, जब व्हीकल निकलता है ना तो ये बहुत डर जाती है, अपनी आईज को क्लोज कर लेती है। सो बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट। बट वेन आई एम ऑन माई बैक अगेन, अब जब मैं अपनी बैक पे हूँ फिर से, बैक मतलब यहाँ बैक के बल से ही लेटी हुई है ना, अपनी पीठ के बल लेटी है, तो दैट शी इज़ ऑन माई ऑन हर बैक अगेन। तो अब जब मैं लेटी हुई हूँ, बट वेन आई एम ऑन माई बैक अगेन आई वॉच द सिल्वर एरोप्लेन, बट शी इज़ वेरी मच फैशनेटेड by the aeroplanes which flies above her. So she said, लेकिन अब जब मैं लेटी हुई हूँ तो मुझे ऊपर जो एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहा है सिल्वर कलर में वो मुझे दिखाई दे रहा है। आई वॉच द सिल्वर एरोप्लेन दैट फ्लाइज अक्रॉस टू फ्रांस एंड सिंग्स लाइक हिटिंग थिक पियानो स्ट्रिंग्स, और इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कोई ऐसे पियानो ऐसे ऐसे स्ट्रिक कर रहा है ना। सो वेन आई एम ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट, उसकी जो आवाज़ है प्लेन की, एरोप्लेन की, वो उसको ऐसे लगती है जस्ट लाइक हिटिंग थिक पियानो स्ट्रिंग्स, पियानो की स्ट्रिंग्स को कोई हिट कर रहा है जोर जोर से। नाउ व्हेन आई एम, नाउ शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हेन शी वुड गुड टू रन एंड प्ले, व्हेन आई एम स्ट्रांग इनफ, जब मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊँगी टू डू द थिंग्स आई एम ट्रूली विश टू, तो मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। I will never use a car or train. ऐसे कार और ट्रेन तो मैं यूज़ ही नहीं करनी है मैंने। But always have an aeroplane. But I'll use to travel an aeroplane. I'll just prefer an aeroplane. I don't use the car. I'll just use to fly. I don't use any road transport to travel from one place to another. I'll just always prefer an aeroplane. ये कह रही है, ये थोड़ा सा हाइपरबली हो जाता है कि ये बच्ची कहती है कि मैं तो सिर्फ एयरप्लेन ही प्रेफर करूँगी कहीं ट्रैवलिंग के लिए, मैंने तो कार यूज़ ही नहीं करनी है। एंड जस्ट गो जूमिंग राउंड एंड राउंड टू फ्राइटन ग्रोन अप्स विद साउंड, और मैं अपने प्लेन को ऐसे उड़ाऊँगी कि मेरे पास में जो ग्रोन अप्स होंगे ना वो डर जाएंगे उस आवाज़ से। एंड सी द एंजल साइड ऑफ द क्लाउड्स, और मैं क्लाउड्स में अपने प्लेन को, अपने एयरप्लेन को मैं क्लाउड्स में लेकर जाऊंगी, और जहां से मैं एंजल साइड्स ऐसी जगह को देखूंगी जहां से एंजल्स रहती हैं। एंड शट एट ऑल दोज मोटर क्राउड्स, और ये सारा मोटर क्राउड जो है ना नीचे वाला जो ट्रैफिक है, देर आर स्कैरबनसेंस एंड द हूटी नॉइज एवरीथिंग आई डोंट लाइक, ओके सो आई जस्ट प्रेफर टू यूज़ एन एरोप्लेन। ये एक थिंकिंग है छोटे बच्चे की, रुडियार्ड किपलिंग, इट इज़ रिटन बाय चाइल्ड्स गार्डन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रुडियार्ड किपलिंग। ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू रिपीट बाय माय विद मी, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। नाउ वी जस्ट मूविंग टू द एक्सरसाइज इट हैड एंड हियर वी गो। सो ओके, वी हैव ट्रू एंड फॉल्स आर देयर। Now, the child cannot run around the garden because she had hurt her knee, so it's true. The house has a large garden, false. The child watches an aeroplane flying across the sky, yes, that's true. The sound of the aeroplane annoys the child, no, it's false, he likes the sound. When the child grows up, she wants to travel in an aeroplane. Yes, that's extremely true. She said that she will prefer only the plane. Now, color the boxes with the names of sound that the poet does not like. Jo achhi nahi lagti, ek to growl and hoot. These you have to color. Now, moving to the next. Now, screeching of bricks, crackling of thunder, thunder of lightning, honking of horns, rumbling of airplane. Okay. Here we have all the exercise. Now children, just read it again for fun and find out the rhyming words. Now, first we have already done me, knee, lay, day. Now, our garden is not very wide, sight, noise, voice. Oh wow, it's correct. Take,
take shake, near fear, again airplane, in sound, sinks strings, do two, train plane, round sound, clouds. Okay, these are all the rhyming words which has been used in that. Okay, children, I want you to share and subscribe, and don't forget to like the English book, so it would motivate me. Have a nice day.